हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी आईटीआई स्किल्स के एक और नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने स्क्रैपर टूल की स्टडी की थी। अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा है तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप यह वीडियो जरूर देख लें। आज के वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं हैमर की, और इस वीडियो में हम जानेंगे हैमर के प्रयोग, हैमर के पार्ट्स एवं उनकी उपयोगिता, हैमर के प्रकार एवं उनके प्रयोग एवं हैमर के स्पेसिफिकेशंस के बारे में। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि हैमर का प्रयोग करते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है प्रशांत, आइए स्टार्ट करते हैं। यह टूल जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इसका नाम है हैमर। हैमर एक स्ट्राइकिंग टूल है, यानी इसका प्रयोग ठोकने पीटने वाले कार्यों में चोट मारने के लिए किया जाता है। हैमर का प्रयोग ठोकने पीटने के लिए निम्न कार्यों में होता है। पंचिंग में, पंचिंग करते समय पंच को हथौड़े से ही चोट मारते हैं। बेंडिंग में, किसी रॉड, शीट आदि को बेंड करते समय हथौड़े से ही चोट मारी जाती है। स्ट्रेटनिंग में, यानी किसी रॉड या शीट को सीधा करने में, इसके लिए भी हैमर का प्रयोग होता है। चिपिंग में, चीजल से चिपिंग करते समय चीजल पर हथौड़े से चोट मारी जाती है। साथ ही इस कार्य के लिए हम चिपिंग हैमर का भी प्रयोग करते हैं। फोर्जिंग में, फोर्जिंग कार्य में जॉब पर चोट मारने के लिए हैमर का प्रयोग होता है। रिवेटिंग में, रिवेटिंग या कील को ठोकने के लिए भी हैमर का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा भी हैमर के कुछ और प्रयोग हैं जो इसके प्रकारों पर निर्भर करते हैं, जिनकी चर्चा हम इस वीडियो में आगे करेंगे। आइए अब जानते हैं हैमर के मुख्य पार्ट्स के बारे में। हैमर के मुख्यतः दो सेक्शन होते हैं। यह भाग हैमर का हेड कहलाता है एवं यह भाग कहलाता है हैंडल। हैमर का यह भाग चोट मारने का कार्य करता है, इसलिए इसे मुख्यतः ड्रॉप फोर्ज कार्बन स्टील का बनाया जाता है। इसके साथ साथ हैमर ब्रास, कॉपर, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक एवं लकड़ी के भी बनाए जाते हैं। हैमर के हैंडल मुख्यतः लकड़ी के बनाए जाते हैं, क्योंकि जब हम हैमर से जॉब पर चोट मारते हैं तो हाथ में एक झंझनाहट सी उत्पन्न होती है। यह लकड़ी का हैंडल उस शॉक को, यानी वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर लेता है एवं हाथ को चोट नहीं पहुंच पाती। एक बात और याद रखें कि हैमर के हैंडल कभी भी गोल ना बनाकर ओवल शेप यानी अंडाकार बनाए जाते हैं, क्योंकि यदि हैमर के हैंडल को गोलाकार बनाएंगे तो यह हैमर की आई एवं हाथ में चोट मारते समय घूम सकता है। हैमर के हेड के निम्नलिखित मुख्य भाग होते हैं। यह भाग फेस होता है, इस भाग से ही जॉब पर चोट मारी जाती है। फेस को मध्य से थोड़ा सा उठा हुआ बनाते हैं ताकि जॉब पर चोट मारते समय इसकी एजेस खराब ना हो। फेस को कठोर बनाने के लिए हार्डनिंग भी की जाती है। फेस के नीचे वाले सीधे भाग को पोल कहते हैं। पोल का निचला हिस्सा हल्का सा कर्व्ड होता है, यह कहलाता है नेक। यह भाग हैमर का चीक होता है। जिस होल में हैंडल फिट होता है उसे आई होल कहते हैं। हैंडल को आई होल में फिक्स करने के लिए वेज का प्रयोग होता है। हैमर का यह भाग पीन कहलाता है। पीन फेस से विपरीत वाला हिस्सा होता है। हैमर के विभिन्न कार्यों के अनुसार इसके पीन अलग अलग शेप के होते हैं, जिनकी चर्चा हम अभी आगे इस वीडियो में करेंगे। पीन को भी हार्डनिंग द्वारा मजबूत बनाया जाता है। आइए अब जानते हैं हैमर के क्लासिफिकेशन या प्रकारों के बारे में। हैमर का क्लासिफिकेशन उसकी पीन की आकृति एवं हैमर के प्रयोग के आधार पर होता है। पहला है वॉल पीन हैमर। इस हैमर का पीन अर्ध गोलाकार होता है, जो कुछ कुछ दिखने में बॉल की तरह लगता है, इसलिए इस हैमर का नाम है वॉल पीन हैमर। इस पीन का प्रयोग मेटल पर चोट मारकर मेटल को फैलाने में होता है। इस हैमर का प्रयोग रिविटिंग में भी होता है। बॉल पीन के द्वारा रिविट के सिलेंड्रिकल भाग को चोट मारकर फैलाया जाता है। बॉल पीन हैमर
सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला हैमर है। एक बात और याद रखें कि बॉल पिन हैमर को इंजीनियर्स हैमर भी कहा जाता है। दूसरा है क्रॉस पिन हैमर। इस हैमर का पिन त्रिभुजाकार एवं धारदार होता है। इस हैमर का पिन हैंडल से लंबवत यानी 90 डिग्री पर होता है। इस हैमर का प्रयोग जॉब पर ग्रूव बनाने में होता है, साथ साथ इसका प्रयोग शीट को मोड़ने भी किया जाता है। तीसरा है स्ट्रेट पिन हैमर। इसका पिन भी त्रिभुजाकार एवं धारदार होता है, परंतु इसका अक्ष हैंडल अक्ष के समांतर होता है। इसका प्रयोग भी ग्रूव बनाने एवं धातु को पीटकर एक दिशा में फैलाने में होता है। चौथा है क्लॉ हैमर। इस हैमर की पीन हैंडल की ओर मुड़ी होती है एवं इसके बीच में वी आकार की वेज बनी होती है। इस वेज में कील को फंसाकर निकाला जाता है। इस हैमर का प्रयोग अधिकतर कारपेंटर शॉप में होता है। पांचवा है स्लेज हैमर। इसे डबल फेस हैमर भी कहते हैं क्योंकि इसमें दोनों ओर फेस होते हैं। इसे आम बोलचाल की भाषा में घन भी कहा जाता है। स्लेज हैमर के अलावा अभी हमने जो भी हैमर डिस्कस किए हैं उनका वजन मुख्यतः 110 ग्राम से 910 ग्राम तक होता है एवं कुछ हैमर 1.5 किलोग्राम तक भी भारी हो सकते हैं, परंतु स्लेज हैमर वजन में 2 किलो से 10 किलो तक होते हैं। इसलिए इनका प्रयोग भारी कार्यों पर चोट मारने में होता है। इसलिए स्लेज हैमर का प्रयोग अधिकतर लोहारों द्वारा धातुओं को फोर्ज करने में, लोहे की रॉड, एंगल आदि को काटते समय चोट मारने में होता है। छठवां है लंप हैमर या क्लब हैमर। यह कम वजन के छोटे स्लेज हैमर होते हैं। इन हैमर्स का प्रयोग एक हाथ से किया जा सकता है एवं यह हल्के कार्यों में प्रयोग होते हैं। तो ये हैमर के मुख्य प्रकार हैं। इसके अलावा कुछ हैमर और हैं जो सॉफ्ट मटेरियल के बने होते हैं, जैसे कि मैलेट जो लकड़ी के बनते हैं। इनकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आइए अब जानते हैं कि हैमर का प्रयोग करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। हैमर का हैंडल कभी भी गोल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हैमर का हैंडल गोल होगा तो यह हैमर की आई होल में भी घूम जाएगा, साथ ही चोट मारते समय हमारे हाथ में भी घूम सकता है। हैमर का हैंडल इसके आई होल में अच्छी तरह फिक्स होना चाहिए, क्योंकि अगर हैंडल आई होल में अच्छी तरह फिक्स नहीं होगा तो चोट मारते समय हैमर हैंडल से निकलकर आपको चोट पहुंचा सकता है। जॉब के अनुसार ही हैमर का चयन करना चाहिए। कार्य के अनुसार सही वजन के हैमर का चयन करें। हैमर का प्रयोग करते समय हैमर एवं हाथों में ऑयल, ग्रीस आदि चिकने पदार्थ नहीं लगे होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके हाथों में ग्रीस या ऑयल लगा हुआ है तो हैमर आपके हाथ से स्लिप हो जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी हैमर के बारे में। इस वीडियो में हमने जो भी पॉइंट्स डिस्कस किए हैं आप इनको याद भी करें, साथ ही इनको नोट कर लें, क्योंकि एग्जाम्स में इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आशा करता हूं आपको आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर करें। साथ ही हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल स्टडी आईटीआई स्किल्स को सब्सक्राइब करने ना भूलें। यहां पर मैंने कुछ और वीडियोस की भी लिंक दी हुई है, आप इन वीडियोस को भी जरूर देखें, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।